हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन दिस क्रूज़। और आई होप आप लोग बहुत बढ़िया करेंगे। फ्रेंड्स, आज जो मेरे पीछे बाइक है, ये बाइक है, आपको पता लग ही गया होगा, दैट इज़ मेटियोर। और साथ में एक बाइक रखी है मैंने, थंडरबर्ड। तो ये एक कंपैरिजन वीडियो है कि क्यों जो थंडरबर्ड जब थी तो मेटियोर की ज़रूरत पड़ी और क्यों थंडरबर्ड बंद हो गई, और साथ में मेटियोर अगर आज की डेट में देखें तो क्या एक बढ़िया क्रूजिंग बाइक है कि नहीं है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो उन सब सवालों का जवाब है जो कई लोग पूछते हैं मेटियोर के बारे में। और एक हमारे सब्सक्राइबर हैं आपको राजस्थान से, संदीप भाई, तो ये वीडियो आपके लिए है संदीप भाई, और आप ज़रूर देखो, और शायद जो आपने अपनी एक मेटियोर बुक कराई है उसके लिए आपको थोड़ी हेल्प मिले इस वीडियो के बाद। तो आज मेटियोर की बात होगी, थंडरबर्ड की बात होगी, और दोनों का कंपैरिजन होगा। अब मेटियोर तो आज की डेट में काफ़ी ऑन डिमांड है और थंडरबर्ड जा चुकी है, तो क्या क्या कमियां थी थंडरबर्ड में जो कि मेटियोर ने पूरी की, और इन सब के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं मेटियोर का एक ऐसा कंपैरिजन थंडरबर्ड से जो शायद आपको वीडियो यूट्यूब पर कहीं भी अवेलेबल नहीं हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, सब आ चुके हैं सामने हम रॉयल इनफील्ड के पहले वाली जो थंडरबर्ड है वो, और ये मेटियोर पे। और अब अगर आप बात करेंगे कि कंपैरिजन करने के लिए तो क्या कंपैरिजन है और क्यों रॉयल इनफील्ड ने थंडरबर्ड को बंद करके मेटियोर को लाया, बहुत ही कस्टमाइज चेंजेस के साथ में 2012 में थंडरबर्ड को रॉयल इनफील्ड ने इंट्रोड्यूस दोबारा से किया था कुछ कस्टमाइज चेंजेस के साथ में। और इसका जो मकसद था वो यही था कि एक टूरिंग बाइक हो, बेसिक टूरिंग बाइक हो, और रॉयल इनफील्ड का नाम था और ये इन्होंने टूरिंग बाइक लॉन्च की। लेकिन ये बाइक सब कुछ होने के बावजूद अगर आप बात करोगे तो जिसको पेट्रोल टैंक देखोगे ये 20 लीटर का है, यानी कि बिल्कुल डेडिकेटेड ये था कि ये जो है टूरिंग बाइक होगी, और इसीलिए 20 लीटर का दिया था ताकि आपको इसकी भी प्रॉब्लम नहीं हो, भले ही इसकी माइलेज जो है 30-35 क्लेम होती थी। इसके अलावा अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो फ्रेम देखो आप, दोनों बाइक की अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ऑलमोस्ट आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल सेम टू सेम है। और चाहे आप इस तरह से उठा के देख लो, अगर आप यहाँ देखना चाहो तो इस तरह से, और सेम अगर आप इसको देखना चाहो ये कर लो। एग्जॉस्ट ये सब ज़रूर क्रोम का बना हुआ है, लेकिन अगर आप इंजन का जो डिज़ाइन देखोगे ये सब देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम उसी तरह से ब्लैक फिनिश में है। लेकिन जो मेटियोर का इंजन है ये बहुत ही अल्ट्रा स्मूथ कर दिया गया है। कम से कम रॉयल इनफील्ड ये क्लेम करती है कि अब आपको इसके अंदर में वाइब्रेशन बिल्कुल फील नहीं होगा और ये बाइक आपको बिल्कुल एक स्मूथ राइड देगी। और ये सब चीज़ों की कमी ज़रूर थी। अगर हम पावर की बात करें तो थंडरबर्ड के अंदर भी पावर जो जनरेट करती थी 350 cc में, दैट वाज वो था 19.8 bhp की पावर। और अगर हम बात करें मेटियोर की तो ये जनरेट कर देती है 20 bhp की पावर। तो पावर में ये चीज़ें हैं, लेकिन जब बाइक आज की डेट में आई, जब ये लॉन्च हुई और मेटियोर को लोगों ने हाथों हाथ लिया, आज इसकी वेटिंग पीरियड ये सब कुछ बहुत ज़्यादा है। ओनली रीज़न कि बाइक के अंदर इतनी सारी बढ़िया कस्टमाइज चेंज की गई है, इंजन इसके अंदर बिल्कुल स्मूथ अल्ट्रा जैसा मैंने बताया आपको डाला है, जे सीरीज़ का इंजन डाला गया है। सेफ्टी के लिए बाइक के अंदर में दिया गया ड्यूल चैनल ABS। इसके अलावा मेटियोर आपको अलग अलग वेरिएंट्स में आ जाते हैं, हालांकि जो इंजन है ये सब में कोई फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत जो आपको लुक का फ़र्क मिलेगा वो अलग अलग आपको जो वेरिएंट्स है उसमें मिल जाएगा। और अब अगर हम देखें तो यहाँ पर उस समय के साथ की बात है, अगर आप देखोगे तो इसका जो थंडरबर्ड का अगर आप स्पीडोमीटर देखोगे तो ये दिया हुआ है, और इसके अंदर में डिजिटली अगर आप देखोगे तो काफ़ी चीज़ें तो नहीं है, बस इतना आपको ये डिजिटल मिल जाता है जिसके अंदर आपको फ्यूल का और किलोमीटर और ये सब चीज़ें टाइम वाइम बताता था, प्लस आपको जो RPM का मीटर है, और प्लस इतनी चीज़ें आपको मिल जाती थी जो कि उस समय रॉयल इनफील्ड ने इंट्रोड्यूस किया था अपनी, क्योंकि उनकी बाकी जो क्लासिक और इन सब गाड़ियों में बाइक्स में क्लासिक और इन सब बाइक्स में बिल्कुल नहीं थे, जो कि रॉयल इनफील्ड ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। तो ये तो हो गई बात थंडरबर्ड में। सेम अगर हम बात करें तो मेटियोर में क्या चेंजेस किया, तो मेटियोर आप देखो न्यू उसके साथ में, तो इसका आपको जो एक अट्रैक्शन लगेगा वो बिल्कुल डिफरेंट ही लगेगा। इसके अलावा मेटियोर में ये सब चीज़ें आप मैप देख सकते हो, यानी नेविगेशन का आपको मिल जाता है, प्लस ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर के साथ, यानी आपका जो है डिजिटल एनालॉग दोनों का एक मिक्सडअप है यहाँ पे, तो ये आपको चीज़ें मिल जाती हैं। और क्या, क्यों मेटियोर लाई गई वो भी हम बात कर लेते हैं। तो आप देखोगे हैंडल का, तो आप ये देखो कि इसका हैंडल जो है क्रूजिंग के सेगमेंट से इसका किस तरह का सेटअप किया गया है, और थंडरबर्ड का जो है किस तरह का सेटअप किया गया था। लेकिन हाँ, एक ह्यूमंगस अगर हम बात करें पेट्रोल टैंक, तो बहुत बड़ा पेट्रोल टैंक मिल जाता था थंडरबर्ड में, और ये चीज़ मेटियोर में 15 लीटर का कर दिया गया है। लेकिन अगर वेट की बात करें तो दोनों बाइक्स में जो वेट है
वो 190-192 केजी के करीब है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया, अगर आप ऐसे बात करो तो राइडिंग के हिसाब से बहुत ही बढ़िया वेट है। और लुक की बात करो तो आप ये है कि अभी नए रंग रूप और नए ढंग से और एकदम न्यू प्लेटफॉर्म पे लॉन्च्ड है, तो आपको मेटियोर बिल्कुल नई अट्रैक्टिव लगेगी। लेकिन हाँ, थंडरबर्ड भी जब आई थी और अपने टाइम पे इसका भी एक जलवा था, बस कुछ चीज़ों में जहाँ पर मुझे लगता है जैसे कि टूरिंग बाइक थी तो कम से कम इसका जो वाइब्रेशन था उस पर काम करना चाहिए था, तो वाइब्रेशन पर काम नहीं था, इंजन स्मूथ नहीं था, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। और फाइनली जब रॉयल इनफील्ड ने मेटियोर लेके आया और लोगों को ये इनका जो ओवरऑल बाइक का परफॉर्मेंस बाइक की जो लगी वो बहुत अच्छी लगी, और इसी कारण से ये बाइक लोगों ने हाथों हाथ ली। इसके अलावा अगर आप देखो तो टायरों में अगर देखो तो अब आपको इसके साथ शिकायत नहीं रहती है रॉयल एनफील्ड के साथ कि बाइक जो है वो ट्यूबलेस नहीं है, तो यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको जो है बाइक में अलॉयज व्हील्स हैं और साथ में आपको ड्यूअल चैनल ABS है, तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बढ़िया आपको ये चीज़ें हो जाती है। और अगर ओवरऑल अगर आप देखोगे, अगर मैं एक ही फ्रेम में दिखाने की कोशिश करता हूँ तो इस तरह से देखने पे आपको बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं फील होगा, लेकिन ये है कि नए प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है आपको मेटियोर, तो ये आपको ज़रूर राइडिंग जो इसका कंफर्ट है और हाई स्पीड में भी वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है, ये ज़रूर है। और बाकी भी हम बाइक में देखते हैं, चला के दोनों बाइक को हम फील करके देखेंगे कि ये बाइक कैसी परफॉर्मेंस करती है और क्या इसका परफॉर्मेंस है। और फ्रेंड्स, अगर बैठने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितना कम्फर्टेबल सिटिंग पोस्चर है ये देख लेते हैं। तो आप देखो, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट है इसमें ऐसे, और इसके अलावा लेग अगर देखोगे तो पैरों का क्रूजिंग सेगमेंट की बाइक है, जैसा कि मैं पहले KTM का भी बता रहा था, वो बिल्कुल यहाँ पे स्पोर्ट्स बाइक के लिए अगर आपको यहाँ पे, लेकिन ये देखो क्रूजिंग के लिए, तो बिल्कुल आपका जो लेग का जो स्पेस जो जहाँ पर आपको फुटरेस्ट होगा वो बिल्कुल आपको इस तरह से आगे होगा ताकि आपको कंफर्टेबल रहे। और इसके अलावा जैसे आपने इग्निशन ऑन किया, रॉयल एनफील्ड की बैजिंग के साथ में, ब्रांडिंग के साथ में बाइक आपको बिल्कुल वेलकम कर दी है। और इसके अलावा हैंडल बहुत ही आपको हल्का सा फील होगा, और पेट्रोल का साइज़ इसमें 15 लीटर का है, इन्होंने इस पर कम किया, हो सकता है कि शायद बाइक का जो फिट एंड फिनिश बढ़िया करने के लिए 20 लीटर का नहीं दिया, शायद बल्कि लगता हो इस कारण से, तो यहाँ पे इन्होंने जो है ये 15 लीटर का दिया, कि बहुत ही नाइसली एडजस्टेड है। और ये कवर है इसके साथ में, और यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है बाइक में, यहाँ से जो इसका जो मिरर था वो हटा दिया गया है और यहाँ पर ये लगा दिया गया है, ये कितना वो है देखना पड़ेगा इसको। और इसके अलावा जो है ये आपको हो जाता है, प्लस इसमें गियर का इन्फॉर्मेशन कितना है, ये सब चीज़ें यानी किस नंबर पे बाइक चल रही है, ये सब चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ड्यूअल चैनल ABS के साथ में है। पोजीशनिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपकी एक ये है और ये है, सीधी पोजीशनिंग है इसमें। और पैरों की जो है स्टेटस मैंने बता दिया आपको कि आपके फुटरेस्ट कैसे रहते हैं। अब जो थंडरबर्ड है ये बाइक तो रही नहीं, तो इसके बारे में कंपैरिजन क्यों, तो इसलिए क्योंकि क्यों फ्लॉप हुई, तो क्या आपको ऐसा नहीं कि आगे चल के शायद मेटियोर के साथ भी यही प्रॉब्लम हो, मैं ये दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें मेटियोर में जाके रॉयल इनफील्ड ने मेहनत करी और चेंज करने की कोशिश की है। तो सेम बिना कुछ किए और चलते हैं थंडरबर्ड के पास, और थंडरबर्ड में क्या है, क्यों चेंज किया, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि थंडरबर्ड का जो हैंडल है ये मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही बढ़िया हैंडल है इसका। और ये थोड़ा सा आपको थकेला सा लगेगा क्योंकि टाइम हो चुका है और एक जनरेशन चेंज हो चुकी है 10 साल में, तो ये सब चीज़ें हम इसको नोटिस नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन जो हैंडल की जो पोजीशनिंग है वो, और टैंक भी बल्कि नहीं, बहुत ही बढ़िया से एडजस्ट किया हुआ है इसके अंदर में। और इसके अंदर में भी ये भी क्योंकि आपको बिल्कुल क्रूजिंग बाइक थी, तो देखो आप पैरों की जो पोजीशनिंग है वो ये है, लेकिन हाँ थोड़ा सा जो है आपको मैं अपने तरफ से अगर वेटेज देने की बात होगी तो मैं जो है मेटियोर को दूंगा, क्योंकि उसका जो है सिटिंग पोजीशन ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन हैंडल जो है ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, नाइसली एडजस्टेड है, बहुत बढ़िया से कर्व में बिल्कुल ऐसे, और आपको एक कम्फर्ट जो आपके कंधे हैं, ये सब जो आपके शोल्डर हैं, ये सब बहुत बढ़िया से कम्फर्टेबल पोजिशन में रहते हैं। तो ये तो दोनों हो गई बाइक की बात, सिटिंग की बात, थोड़ा बैक सीट की भी बात करते हैं कि क्या मेटियोर ने कुछ बैक में जो ओपिनियन राइडर है उनके लिए करने की कोशिश की है कि नहीं। तो संदीप भाई, आपने जैसा कि बाइक बुक कराया है और बाकी चीज़ें तो मैं और आप जानते हैं कि क्या है, तो यस, आपकी जो नई लाइफ होगी उसमें जाकर के ये अगर आप देखा जाए तो सीट पे आपको आई थिंक यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी टाइप ऑफ इशू, क्योंकि सीट जो है इसकी विड्थ की बात करें
दैट इज़ वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, नाइसली एडजस्टेड है। और इतना है कि अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा लगेज लेके नहीं चल रहे हैं तो आप बहुत कंफर्टेबल और बहुत बढ़िया राइड अपनी इंजॉय कर सकते हैं। सीट आप देख सकते हैं इस तरह से है, राइडर की बाइक है तो राइडर के लिए पोजिशनिंग बहुत बढ़िया, यानी सीट की जो कुशनिंग है और सीट जो जिस तरह से एडजस्टेड है दैट इज़ वेरी नाइस। लेकिन बैक में भी कोई ऐसा नहीं है कि विड्थ नहीं है, ये सब चीज़ें बिल्कुल है, विड्थ भी है और आप देखोगे तो इसकी लंबाई भी है, यानी अगर आप देखोगे तो ये बाइक आपको एक बढ़िया कंफर्ट राइड जो है जो पिलियन राइडर है उनके लिए भी है, और प्लस उनके पीछे अगर बैठने के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फुट रेस्ट जो है दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो फुट रेस्ट का भी अच्छा है, अगर कोई बैठ रहा है तो पीछे, और थोड़ा सा हाइट ऊपर है तो आपको कोई ऐसा फील भी नहीं आएगा, बढ़िया आपको लगेगा। तो ये पीछे का हो गया, और ये सब चीज़ें अगर थंडरबर्ड की बात करें तो थंडरबर्ड में भी पीछे का सीट बढ़िया है और ये भी अच्छा था। लेकिन बंद करने का रीज़न तो मैंने आपको बता ही दिया कि बाइक के अंदर में जो प्रॉब्लम थी वो यही सब थी, इंजन स्मूथ नहीं था। इसके अलावा जो है परफॉर्मेंस की बात करें लॉन्ग राइड्स के लिए तो बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया इसको, और यही रीज़न है कि इस कॉन्सेप्ट के साथ आना पड़ा लोगों को मेटियोर के साथ। और फ्रेंड्स एक चीज़ आपको और दिखा दूं मैं कि एक्चुअली ये बाइक तो आपको क्रूजिंग सेगमेंट की बाइक है, और इसकी अगर आप बात करें जो लंबाई यानी लेंथ जो है यानी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें बेसिकली तो वो आपको जो है कम होती है, लेकिन यहाँ पे जो बेली पैन लगा हुआ है यहाँ पे तो ये आप देख सकते हो आपको इंजन प्रोटेक्शन के लिए, तो ये चीज़ें आप लगा सकते हो। आई थिंक जो एवेंजर्स लवर्स हैं वो भी लगा सकते हैं, हो सकता है नीचे टच हो लेकिन आई थिंक ये वॉक करेगा। और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कंपैरिजन मैंने इन बाइक्स पे नहीं किया है, और बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मालूम है कि इस बाइक में क्या क्या चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा इसका जो एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं कि एग्जॉस्ट नोट किस तरह का है मेटियोर का, बाकी राइड करके भी देखेंगे, लेकिन एक एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं जो कि हमें फील कराएगा कि यस ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, तो रॉयल एनफील्ड। तो ज़रा सुनते हैं इसको, आपको ऐसा होता है और एक बार ज़रा रेस दे के देखते हैं। तो आपको ये साउंड आ जाता है। अगर बात करें नॉर्मली क्लासिक और उनसे तो ये थोड़ा सा डिफरेंटली करता है, लेकिन क्योंकि टोटली ये बेस्ड है आपको एक स्मूथ राइड के लिए, और थोड़ा सा इंजन को जे सीरीज इंजन जो है वो उतना अगर आप बात करो तो जो क्लासिक का जो है थर्ड साउंड जो है वो इसके अंदर में आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए जो है साउंड ये आपको एग्जॉस्ट का जो नोट है ये आपको स्मूथ मिलेगा। और फ्रेंड्स इसके अंदर में जो है यानी कि आपको थंडरबर्ड में ये, क्योंकि इंजन जे सीरीज पे नहीं है, पहले वाला जो क्लासिक और उन सब इंजन आता था वही है, इसका साउंड जो टोटली जो आपको फील कराएगा दैट इज़ रॉयल इनफील्ड का जो बिल्कुल सिग्नेचर साउंड होता है वो होगा। इसको भी एक बार सुनते हैं, तो ये देखो आप इसकी जो आवाज़ है इसका जो एग्जॉस्ट नोट है आपको बिल्कुल डिफरेंटली करेगा। और फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं सबसे पहले थंडरबर्ड को राइड करके, देखते हैं कि क्या इस बाइक में चीज़ें थी जो अब मेटियोर में क्या बदल गई हैं। तो सबसे पहले इसको करके देखते हैं, तो ये हो चुकी है थंडरबर्ड स्टार्ट, आप देख सकते हो अभी देख लो आपकी हाथ जो है जैसे कि है अभी कोई गियर में नहीं कुछ नहीं है, तो ये वाइब्रेशन सेम चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा मेटियोर में आपको नहीं फील होगी। इन्हीं सब चीज़ों पे काम किया गया है मेटियोर के अंदर में, और ये जो प्रॉपर जो एक रॉयल एनफील्ड फैमिली के जो इंजन का जो होता है यानी कि बिल्कुल वही एक जो आपको थर्ड साउंड जो डिफरेंटली आता है वो चीज़ है जो कि उस पर अलग किया गया है। तो ये देखो तो इन सब चीज़ों पे, क्योंकि ये सब चीज़ें की गई है, अब देखो कि होने के बाद जितना मैं अगर इसको रेस दे रहा हूँ अगर मैं इसको थ्रॉट दे रहा हूँ तो ये देखो कि यहाँ सब में थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन है इन्हीं सब चीज़ों पे। ये देखो आप, अगर आपको विजुअल होगा तो ये देखो ये सब चीज़ों पे काम किया गया है। अब बाइक को आगे बढ़ा के देखते हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ पे बाइक के अंदर में अगर आप बात करें तो वाइब्रेशन ज्यादा है। आप स्पीड देखो 60 पे है लेकिन ये दोनों आपको शेक कर रहे हैं, और ये बाइक बहुत ज्यादा नहीं चली हुई है, सिर्फ 8000 किलोमीटर चली हुई है ये बाइक, लेकिन फिर भी देखो इवन अगर मैं टैंक पे भी हाथ रख रहा हूं तो टैंक भी जो है वो शेक कर रहा है, यानी फील हो रहा है आपको। ये सब चीजें हैं जो कि इसके अंदर थी
और शायद रॉयल इनफील्ड ने इसी कारण से इस बाइक को रिप्लेस करके मेटोर को लाया, इन्हीं सब कमियों के कारण। और एक इनिशियल पंच की बात करें तो क्या है, बाइक 80 पे पहुंच जा रही है लेकिन कहीं ना कहीं इंजन जो है आपको उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है और एक स्मूथनेस नहीं है इंजन में। और फ्रेंड्स अब चलाते हैं आज के ज़माने की रॉयल इनफील्ड की क्रूजर बाइक यानी कि मेटियोर, और कैसी है बाइक चलाने में, क्या है खास, ये देखते हैं। अभी हमने इस बाइक को देखा थंडरबर्ड, जिसके अंदर में प्रॉब्लम जो थी वो हमें दिखी, वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा, इंजन नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा और पूरी बॉडी शेक कर रही कई जगह पे। इसके अंदर वो चीज़ें हैं या रॉयल इनफील्ड ने उस पर काम किया है वो चेक करते हैं। वैसे एक चीज़ बता दूँ, बाइक कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है वो बैठने के हिसाब से, हैंडल उसका बहुत बढ़िया और हैंडलिंग बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि बाइक का डिज़ाइन बहुत, आज भी इस बाइक का डिज़ाइन जो है मैच करता है मेटियोर से, इसलिए इस बाइक को क्रेडिट जाता है ज़रूर एक बढ़िया क्रूजिंग सेगमेंट स्टार्ट करने के लिए इंडिया में। नो डाउट थम्स अप टू दिस बाइक एज वेल। अब शुरुआत करते हैं इस बाइक से, इग्निशन ऑन करते ही आपको सबसे पहले रॉयल इनफील्ड स्वागत करेगा आपका, प्लस आपको ये सब चीज़ें जो ट्रिप मीटर है प्लस आपका कंसोल जो भी मीटर यहाँ पे है वो दिखने लगेगा, प्लस यहाँ पे रॉयल इनफील्ड, यहाँ पे नेविगेशन कर सकते हैं आप। तो शुरुआत करते हैं बाइक को स्टार्ट करने के लिए। इसका स्विच जो है ऑन का बहुत ही डिफरेंटली दिया हुआ है और ये हो गई स्टार्ट, बढ़ते हैं। और बढ़ने से पहले आपको दिखा दूं सामने की, यस इसके अंदर आपको डे लाइट रनिंग लाइट भी जलती है तो ये भी बढ़िया है। इसके अलावा ये भी है इसके अंदर में, यानी कि इसके अंदर आपको सेंसर दिया हुआ है स्टैंड पे कि जैसे आप स्टैंड नीचे करेंगे बाइक आपकी हो जाएगी बंद। और क्रूजिंग सेगमेंट में एक चीज़ और फ्रेंड्स बहुत बढ़िया रहती है और रॉयल इनफील्ड ने यहाँ पे बढ़िया काम किया है कि आपको जो गियर लीवर जो दिया हुआ है ये आपको दोनों दिया हुआ है, सिंगल नहीं है, स्पोर्टी टाइप का नहीं है, तो ये आपकी राइड को बढ़िया बनाता है, कंफर्टेबल रखता है और पोजिशनिंग आप देख सकते हो कितनी बढ़िया क्रूजिंग के हिसाब से है। हालांकि थंडरबर्ड में भी यही पोजिशनिंग थी तो क्रूजिंग के हिसाब से ये पोजिशनिंग बहुत बढ़िया रहती है एक आरामदायक सफ़र के लिए। और अब इसको भी लेके निकलते हैं रोड पे यानी हाईवे पे और चेक करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स लेके आ चुका हूँ मैं इस बाइक को हाईवे पे और संदीप भाई आपके लिए स्पेशली ये एपिसोड है तो ज़रूर आप इंजॉय करो इसको। और अभी बाइक चल रही है 25 के स्पीड में और गियर का पोजीशन है 2, बहुत स्मूथ है 2 के भी बिल्कुल, मेरे को कहीं भी आप मेरे हाथों को देख लो, आप यहाँ पे जो कंसोल उस समय जो झटके दे रहे थे वो देख लो, बाइक की पोजीशनिंग पूरी देख लो, कहीं भी कुछ भी नहीं लग रहा है, एकदम स्मूथ बिल्कुल। और अब मैं इसको 2 से थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल गोली की तरह अभी जो बाइक गई है 60 पे गई है और 3 गियर ही मैंने इसको जो है सो अभी 4 गियर पे लेके गया था। और फ्रेंड्स बाइक को ना थोड़ा इसकी रफ्तार देखते हैं कि कितना स्पीड पकड़ती है, कितनी जल्दी और क्या पंच है। फिलहाल 3 गियर से ही मैंने स्टार्ट किया है और बाइक है 60 के स्पीड में और ब्रेक अगर लगाने की बात हो तो बढ़िया से काम कर देगी। तो और इसको गड्ढों पे भी ले गया मैं, कहीं भी कुछ फील ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लग रहा है और बहुत बढ़िया से परफॉर्म करे। ये रीजन है थंडरबर्ड को रिप्लेस करने का मेटियोर के साथ, जो कि रॉयल इनफील्ड का सुपर डिसीजन है। और ये देखो झटके पता नहीं लगे, बाइक स्पीड में थी, एबीएस ने बढ़िया काम किया और तुरंत रुकी। और फ्रेंड्स लुक की भी बात करें और सब कुछ देखें तो मेटियोर आपको एक बढ़िया लुक फिट फिनिश बहुत बढ़िया से करके देती है आपको, एक हर तरह की अगर एक बात करें तो बाइक के अंदर में आपको चीज़ मिल जाती है। तो एक अच्छा प्रोडक्ट है और स्मूथ राइडिंग है और क्या चाहिए आपको बाइक के साथ में। तो आई होप आपको ये कंपैरिजन वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा रॉयल इनफील्ड का मेटियोर का,
क्यों मेट्रियोर रिप्लेस हुई थंडरबर्ड के साथ, वो चीज़ और ज़रूर आपको एक हेल्प मिलेगी बाइक को लेने में। हालांकि बाइक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है, ये बाइक ऑलरेडी बहुत बड़ी हिट हो चुकी है, इसकी वेटिंग चल रही है और बाइक बहुत बढ़िया है, तो आप इस बाइक को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।